हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं ट्वेंटी सेवेंथ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जी हाँ दोस्तों याद रखें कि करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है तो वीडियो को कहीं तक देखते रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें वीडियो अगर कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्स दर्मा गार्डियन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज आपको बताना है हाल ही में किन दो मुल्कों के दरमियान एक्स दर्मा गार्डियन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई ऑप्शन है आपके पास इंडिया एंड बांग्लादेश बांग्लादेश एंड जापान इंडिया एंड जापान या फिर बांग्लादेश एंड रशिया इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी इंडिया और जापान के दरमियान एक्स दर्मा गार्डियन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है 27 फरवरी 2022 से लेकर टेंथ मार्च 2022 तक ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट की जाएगी बेलगाओ जो कि जिसको बेला कहा जाता है ये कर्नाटका में है और यहीं पर इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा और ये इस एक्सरसाइज की तीसरी एडिशन रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेरी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर आपको बताना है इन में से किस को अपॉइंट किया गया है इंडिया का पहला नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑप्शन है आपके पास अजीत डोवाल अशोक कुमार नारायण कुमार या फिर सुमित सिंह इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी अशोक कुमार जो कि रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का पहला नेशनल मेरी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर और इसको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों यहां पर आपको याद रखना होगा नेशनल मेरी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को और जो काम है वो उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के साथ करना होगा और इसके यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरियट के जो हेड हैं वो हैं अजीत डोवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस हैज बीन फ्लैग ऑफ इन विस स्टेट यूटी आपको बताना है इंडिया की किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस को हरी झंडी दिखाएगी ऑप्शन से आपके पास जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र गुजरात या फिर केरला इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी महाराष्ट्र दोस्तों यहां पर यह भी याद रखें कि इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस को फ्लैग ऑफ किया सर्वनंदा सोनोवाल ने जो कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू हैज वन दी गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी एट दिंगापोर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 आपको बताना है साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में आपको बताना है किस कैटेगरी में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता ऑप्शंस है 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी, या फिर 65 केजी इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी 55 केजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइव मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय विच ईयर आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाँच मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्र, प्रोड्यूस करने का टारगेट किस साल तक रखा है ऑप्शन है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी एट या फिर टू थाउजेंड एंड थर्टी इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ 2022 आपको बताना है इनमें से किसने लॉन्च किया प्रमार्श 2022 ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम या फिर नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट अफेयर्स ने प्रमाश 2022 को हाल ही में लॉन्च किया और ये एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है 15 फरवरी 2022 से और ये बेकानेर राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुरजीत सेन गुप्ता हु पास रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ आपको बताना है सुरजीत सेन गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका ताल्लुक इनमें से किस गेम के साथ था ऑप्शन से आपके पास क्रिकेट हॉकी फुटबॉल या फिर किकबॉक्सिंग इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी फुटबॉल नेक्स्ट क्वेश्चन ने है जेंट की गर्ल वन गोल्ड मेडल एट मास्को वुशो स्टार चैंपियनशिप आपको बताना है जम्मू कश्मीर की उस लड़की का नाम जिसने रशिया में गोल्ड मेडल जीता मॉस्को वुशो स्टार चैंपियनशिप में ऑप्शंस हैं सादिया तारिक अरुसा परवेज आयशा अजीज या फिर सुमिता कुमारी इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए सादिया तारिक नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंकड एट विच प्लेस इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आपको बताना है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स साल 2022 में इंडिया की क्या रैंक रही ऑप्शंस आपके पास फर्स्ट फिफ्थ फिफ्टींथ या फिर फोर्टी थर्ड uh, इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी इंडिया की रैंक जो है वो फोर्टी थर्ड रही इसमें और इंडिया का जो के जो पॉइंट्स है या स्कोर है वो थर्टी एट पॉइंट सिक्स रहा और इस इंडेक्स में यूएस जो है वो टॉप रैंक पे रहा और उसके बाद दूसरे नंबर पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम रहा इससे पहले इस इंडेक्स में इंडिया की जो स्कोर है वो थर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान लॉन्चेड आपको बताना है पीएम किसान स्कीम को किस साल लॉन्च किया गया था ऑप्शन से आपके पास फेबर ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फेबर ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी या फिर फेबर ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी फेबर ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड नाइनटीन को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लॉन्च किया गया था तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर